नमस्कार, छत्तीसगढ़ के मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं 9 अप्रैल 2024 को मौसम विभाग के अनुसार कैसा रहेगा छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल और आपके जिले की मौसम की जानकारी। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के किन जिलों में कितनी बारिश होगी, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि कल छत्तीसगढ़ का तापमान कैसा रहेगा। तापमान की बात करें तो दिन के समय जिन जिलों में अधिक तापमान होगा वे जिले हैं रायपुर, बलरामपुर, महासमुंद, सुकमा, बस्तर, कोरबा, दुर्ग, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, राजनांदगांव और बेमेतरा, जहां पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। इसी तरह रात के समय जिन जिलों में कम तापमान होगा वे जिले हैं कोरिया, सूरजपुर, महासमुंद, रायगढ़, गरियाबंद, नारायणपुर, कोंडागांव, सरगुजा, बालोद और कांकेर। इन जिलों में रात का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगी। हवा की गति की बात करें तो सबसे अधिक हवा चलने वाले जिले हैं कोरिया, सूरजपुर और नारायणपुर, जहां पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। वही बाकी जिलों की बात करें तो 6 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने वाले हैं। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबाकर ऑल पर सेट कर दें, ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी डालते हैं तो तुरंत आपको पता चल जाएगा। साथ ही आप छत्तीसगढ़ के किस जगह से यह जानकारी देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। सबसे पहले उन जिलों के बारे में जानेंगे जहां पर बादल छाए रहेंगे और बारिश होने की संभावना भी बनी रहेगी। वे जिले हैं कोंडागांव, बलरामपुर, जसपुर, सरगुजा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, गौरेला पिंडरा, मरवाही, बस्तर, सुकमा, कोरिया, मनेन्द्रगढ़ और सूरजपुर। इन जिलों में छिटपुट बारिश हो सकती है। अब आइए वे जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ बादलों की गर्जना होगी, गरज चमक का मौसम रहेगा और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। वे जिले हैं रायपुर, बालोद, धमतरी, गरियाबंद, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़, सक्ती, सारंगढ़, जांजगीर चांपा, मुंगेली, कबीरधाम, राजनांदगांव, खैरागढ़, मोहला, नारायणपुर, बेमेतरा, महासमुंद, बलौदाबाजार, दुर्ग और कांकेर। तो ये था छत्तीसगढ़ में आज का मौसम और आपके जिले की मौसम की जानकारी। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।